लेते हैं 40 का। चॉकलेट बोलने में क्या प्रॉब्लम है यार, हंसते जस्ट जोक हुआ। मेरे को नहीं समझ, मुझे भी क्या जोक हुआ वो समझ में नहीं आया बट मुझे बोर तो हो ही रहा है बिकॉज हमारे टूर में सिर्फ आज दो ही लोग हैं। और जो फर्स्ट टूर था उसमें बहुत मज़ा आया था, लोग भी थे, बहुत कैपाडोकिया में था। आज का शुरुआत थोड़ा सा बोरिंग हुआ है, लेट्स सी कैसा जाता है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। मेरा मूड नीचे थोड़ा सा ठीक नहीं था, मुझे लगा यार आज बोर हो जाएगा, बट एक्चुअली जैसे ही हम लोग केबल कार में बैठे और जैसे ही व्यू देखा सब नॉर्मल हो गया फिर से। गोरो को हटा दो, ये हर जगह दिखेंगे। मुझे लगा था हम लोग केबल कार में स्पेशली मैं बहुत डरने वाली हूँ, बट पता नहीं यार डर ही नहीं लगा। अभी नीचे जाते टाइम ऐसा शायद हो सकता है कि थोड़ा सा लगे बिकॉज़ ऊपर आते टाइम तो स्लो होता है, नीचे आते टाइम वो थोड़ा स्पीड में रहता है। तो जब भी कोई चीज़ स्पीड में होती है तो यू एक्चुअली गेट लिटिल यू नो हाइपर, सो पता नहीं। कम हियर 10 मिनट्स बिफोर। ओके ओके, ये हमारे टूरिस्ट गाइड है, इनका नाम नहीं पता तो मैं इनको चंगेज चंगेज, हाँ जी चंगेज अंकल तो ये हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम इनको हाँ हाँ बोलते पर हम करते वही है जो हमको करना है। सो बेसिकली टर्की में अभी थोड़े थोड़े इंडियंस आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं है बिकॉज डायरेक्ट फ्लाइट्स अभी भी नहीं है, तो बहुत कम इंडियंस दिख रहे हैं। जैसे हम हैं, हमने इतने दिन में सिर्फ हार्डली एक दो इंडियंस को ही देखा है यहाँ पे। यहाँ से ये बेटर दिख रहा है। तो खाना ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आ गए, इट्स कैफे बिस्ट्रो। फिर यहाँ सारे गोरे बैठे, अवॉइड देम, यहाँ बैठे। मैं देखती हूँ क्या है यहाँ पे, अदरवाइज आई हैव आइसक्रीम। मैंने फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद ग्रिल चिकन सैलेड लिया और ये हिस्सा लिए। मुझे कब से खाने थे, मुझे तेजस की वजह से खाने नहीं मिल रहे थे बिकॉज इसको जब भी बोलो कुछ स्नैक्स लेना है और मैं पिस्ता लेके आ रही थी ऐसे मुँह चढ़ाता था। पीनट चिक पीस, मैंने बोला छोड़ यार मैं अकेली क्या खाऊँ, पर आज मैं खा रही हूँ फाइनली पिस्ता। सो आई एम वेटिंग फॉर माई सैलेड, हाय जल्दी से आ जाए यानी फिर मैं अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचूँ तेजस के। तेजस बहुत फोटोजेनिक है, तेजस को बहुत फ़ोटो खिंचाने रहते हैं। क्या बोला तूने? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अगर ये ऐसा स्लो चल रहा है तो नहीं लगेगा डर, नहीं लगा। बच गया। अगर रोलर कोस्टर भी ऐसे स्लो चले तो मैं रोलर कोस्टर में भी बैठ जाऊँ। रोलर कोस्टर कैसे, ऐसा ऊपर जाएगी तो गिरेगा ना सब नीचे। अगर स्लो है तो मुझे डर नहीं लगता, ये मैंने फिगर आउट कर लिया। मैं हॉट एयर बलून में भी बैठ गई क्योंकि वो स्लो जा रहा था, फिर वो स्लो आ रहा था। कोई भी चीज फास्ट जाती है ना शायद उससे डर लगता है मुझे, मुझे क्या सबको डर लगता है यार। बट ये देखो ये कितना ब्यूटीफुल है, कितना ऐसा लग रहा है येलो, मतलब येलो बोल रही हूँ ब्लू कलर का ना किसी ने ऐसा कारपेट बिछा दिया है।
फिर तुझे पानी से डर लगता है ना? हाँ थोड़ा। एक्चुअली हम दोनों को पानी से डर लगता है और स्पेशली तेजस को सबसे ज़्यादा डर लगता है। लेकिन फिर भी जब गाइड ने पूछा कि आप लोगों को बोट राइड करनी है या सिटी टूर करना है, तो इन महाराज ने सबसे पहले बोला बोट राइड करनी है। बोट राइड सिटी पे क्या ही करेंगे। हाँ यार, क्या देखें, एंशियंट चीज़ें देख के भी वो कापड़ हो गया। मैं काफ़ी एंशियंट चीज़ें देख ली है। फुल पायरेट्स टाइप के बोट। हाँ, यू शुड सी दिस बोट यार, कितना क्रिएटिव है यार, कितना क्रिएटिव है। लव्ड इट। Yes, I know, but मैं नहीं खाने वाली हूँ। ऐसी आमद बोल देना, दो तीन बार नस काटे तो बोल। Next try करते हैं। और क्या है? वेफल है। वैसे मैंने थोड़े बहुत स्नैक्स तो ले ही लिए थे। टेस्ट क्या ले रहा है तू? पानी कड़वाना निकले, बिटर है। क्या नाम है? लेते हैं 40 का। अच्छा, चॉकलेट फ्लेवर है। जेली को झोले बोल, यू वांट झोले बोल। मैं कोई चीज़ लूँ ना लूँ, लेकिन इधर नाम पढ़ के ना बड़ी हंसी आती है। क्या लिया तेजस? सुने, पानी और 40। क्या है दिखा? केक। इटी पॉप केक। इटी मतलब ये चॉकलेट का स्पेल है। बिटर चिकोलाटाली। चॉकलेट बोलने में क्या प्रॉब्लम है यार? कोई रूल मानने की जरूरत नहीं आपको। CAT डॉग माचो आ गया। मैं बताया थोड़ा सा। अच्छा ले 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 खा। एकदम छोटा बच्चा है यार, एकदम छोटा बच्चा है। अच्छा, चेंगीज अंकल ने हमारी मज़ा ले ली, हम खुश हो गए थे, हमें लगा ये बोट है हमारी। अरे चेंगीज अंकल बड़े मजाकी है, ज़्यादा लेट हो गए ना ऐसे चिड़चिड़ करते, तो उनकी बात सुननी चाहिए। होपफुली हमारी बोट है, नहीं तो अंकल फिर से ठग लाइफ दे देंगे। अब हम आ चुके हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन पे, जो है विच मीन्स डुडेन वाटरफॉल। यहाँ का ब्यूटीफुल वाटरफॉल है अंतालिया का, वो हम देखने आए हैं। ठीक है, चंगेज अंकल गुस्सा हो जाते हैं जल्दी, इसलिए हम लोग भागते हैं फटाफट। स्कूल की पिकनिक पे आए जहाँ हमारे टीचर हमको बताते हैं ऐसे करो वैसे करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। बट बहुत क्यूट है वो। अभी हमें पूरी हिस्ट्री बता रहे थे और मैं उनकी हिस्ट्री सुनते सुनते मैं सो गई थी। हाय हाय, व्हाट्स अप? फेसबुक वाटरफॉल। नाउ वी गो डाउन, लेट्स गो, क्लिक फोटो, रिमाइंड आवर हेड so we don't bang on hard rock. And what did you eat? Kebab. We drink lemonade, french fries, chocolate tea and 40. Haan bhai, kaisi lagi? No, I did not had 40, I had chocolate tea. Kya you jaise ko turkey mein job mil jayega? हाँ, मेरे को जॉब आराम से मिलेगा। फोटो वीडियो स्लो मोशन जी है, इंस्टाग्राम रील एडिट करके दे दूंगा। 50,000 तो एक दिन में कमाई नहीं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? तू चाहता है तो ट्रांसफर छोड़ के यहाँ आ जाए। वी डोंट वर्क फॉर मनी, वी ओनली वर्क फॉर आवरसेल्फ्स, फॉर आवर माइंड, फॉर आवर बॉडी, फॉर द पीस।
अभी हम फोटो शूट करेंगे, मेरे साथ है हमारे जाने माने फोटोग्राफर तेजस धोके। और आप लोगों को पता है मैं भी तेजस की फोटो खींची, बस इसने ये कैमरा में लिया नहीं है, लेगा भी कौन यार। इधर इधर तेजस जितने भी फोटोज डाल रहा है टर्की के वो मैंने ही खींचे हैं। ये फोटो मैं डालने वाली हूँ इंस्टाग्राम पर। वाटरफॉल पे, जो महाराष्ट्र में एक वाटरफॉल है भंडारदारा, जो भी महाराष्ट्र में रहते हैं उनको वो जगह पता होगी भंडारदारा। तो हमारे चंगेज अंकल ने बोला है कि आपको 40 मिनट्स दिए हैं, 40 मिनट्स में आप लोग अपने फ़ोटो वीडियो जो लेना है वो करके सब लोग एक स्पॉट पे आ जाओ, मैं आपको वहाँ मिलूँगा। लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे, अब चलो अंकल के इंस्ट्रक्शन सुनते हैं। जोक हुआ मुझे भी, क्या जोक हुआ वो समझ में नहीं आया, बट एक्चुअली मैं और तेजस कभी भी टूर पे नहीं जाते हैं, बिकॉज टाइम लिमिट्स होते हैं, एक घंटे में यहाँ मिलो, 40 मिनट्स में वहाँ मिलो, इतना खाओ उतना खाओ, ये करो वो करो, ये थोड़ा बोरिंग है। सो हमने इस्तांबुल का टूर ही कैंसिल कर दिया। मतलब कोविड के पहले हमने जितने भी क्या कहते हैं टूर किए हैं वो अपने ही किए हैं। अभी जो हम इस्तांबुल में करेंगे, थोड़ी अपनी शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे, खाएँगे, नाचेंगे, ऐश करेंगे। और तेजस इतना बड़ा हो गया, बुड्ढी के बाल खाता है। ये भी कम टेस्टी है। अच्छा नहीं है? अच्छा। ऑल राइट गाइस, सो इसी के साथ हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी, इसके बाद री होटल जाऊँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी, रील शूट करूँगी। अगर बाहर घूमने निकली तो ऑफकोर्स उसका व्लॉग बनाऊँगी, वो आप अगले व्लॉग में देख लोगे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड कीप वॉचिंग, कीप लविंग, बाय बाय।